हेलो दोस्तों, तो बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक वॉच कर लेना। गाइस मैंने फिर से यूट्यूब पे आने के लिए सोच लिया। गाइस मैंने कुछ दिनों के लिए यूट्यूब पे मतलब कि ज़्यादा उस प्रकार से एक्टिव नहीं था। हाँ एक्टिव था, वीडियो अपलोड करता था लेकिन अच्छे से वीडियो अपलोड नहीं करता था। ओनली वीडियो बनाता था, शूट करता था, जो भी मन में आ जाता था कॉमेडी मतलब किसी भी कैटेगरी का वीडियो मेरे दिमाग में आ जाता था, मैं उस कैटेगरी का वीडियो शूट करके यूट्यूब पर अपलोड कर देता था। ना तो मुझे थंबनेल से मतलब था और ना ही टैग, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, मुझे किसी से भी कुछ मतलब नहीं था। ओनली वीडियो अपलोड करता, टाइटल भी लिखने का टाइम नहीं था। गाइस वीडियो अपलोड करता मतलब शूट करता कहीं का भाई, कुछ भी का, मेरी किसी भी कैटेगरी का, मैंने आपको पहले बताया किसी भी कैटेगरी वीडियो शूट किया करता था, अब अपलोड कर दिया था। ना तो कोई टाइम था, ना तो कोई मतलब कुछ भी नहीं था, क्योंकि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा हमें मतलब ध्यान देना पड़ता है, टाइम पर ध्यान देना पड़ता है, और टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टाइटल्स, इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। लेकिन मैं इन सभी का कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ तक कि थंबनेल, टाइटल और टाइम से वीडियो भी अपलोड नहीं किया करता था। और दिन में कितने वीडियो अपलोड कर रहा था ये भी निश्चित नहीं था। किसी दिन वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा था, जिस दिन वीडियो बना लेता उस दिन वीडियो अपलोड कर देता था। यह कोई निश्चित बात नहीं थी कि मैं किस दिन वीडियो अपलोड करूंगा, किस दिन वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, किस टाइम पे अपलोड करूंगा और किस कैटेगरी अपलोड करूंगा, कुछ भी निश्चित नहीं था। इसलिए मेरे चैनल पे व्यूज आना बिल्कुल ही धीमा हो गया था, मतलब कुछ भी व्यूज नहीं आता था। तो मेरा जिस कैटेगरी का मैंने स्टार्ट किया था चैनल, मैंने उसी कैटेगरी फिर से शुरू कर दिया। गाइस बीच में मैंने कॉमेडी और अदर कैटेगरी का वीडियो अपलोड किया था, लेकिन जिस कैटेगरी से चैनल मैंने शुरू किया था उसी कैटेगरी को फिर से मैं अपने इस चैनल पे लाना चाहता हूँ। गाइस तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको यह मेरी फर्स्ट वीडियो समझ लेना गाइस, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया वो सब झूठ, मतलब कि उन सभी को छोड़ दो और मेरी ये फर्स्ट वीडियो है गाइस। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इस चैनल को भी देना भाई, आप लोगों के जरिए ही मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग ही सपोर्ट करना बंद कर दोगे तो मेरा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का, शूट करने का, टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं गाइस, क्योंकि दुनिया हमेशा मतलब कि जब आप कुछ काम करोगे तो दुनिया हमेशा आपका साथ छोड़ देगी। वो कुछ भली बुरे बोलते बोलेगी कि आप सक्सेस ना हो पाए। तो गाइस हम जो मेहनत करते हैं वो सिर्फ आप लोगों के भरोसे करते हैं, अपने दोस्तों और ऑडियंस के सहारे ही हम काम कर पाते हैं। अगर आप लोग भी साथ छोड़ दोगे तो क्या करेंगे गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल पर आपको हर दिन एक मोटिवेशनल वीडियो या फिर यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो या फिर कोई ऐप अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स के बारे में, इसी प्रकार के हर दिन मैं एक से दो वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझा कर देने का प्रयास करूंगा गाइस। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वाले मतलब यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं गाइस, तो हर कोई अपने में तरीके से बताता है गाइस, समझाता है, और हर प्रकार की ऑडियंस भी होती है कि उसे किस मतलब कि कौन सी यूट्यूबर की बातें समझ में आती हैं, तो हर कोई अपना अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है गाइस। तो वहाँ मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं भी एक दिन बड़ा यूट्यूबर बन पाऊंगा, इसलिए मैं भी यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के भरोसे। प्लीज़ भाई सपोर्ट करोगे, मुझे उम्मीद और भरोसा सिर्फ आपसे है भाई, सिर्फ आपसे। प्लीज़ सपोर्ट मी, हेल्प मी, क्योंकि दोस्तों मुझे भी यूट्यूब पे काम करते आज से 4-6 साल के एक्सपीरियंस और नॉलेज हो चुका है कि यूट्यूब पे कैसे वीडियो अपलोड किया जाता है, कहाँ से थंबनेल बनाया जाता है और टाइटल, थंबनेल, टिप सिस्टम, ये सब टैग कैसे लगाए जाते हैं और वीडियो किस टाइम अपलोड किया जाता है, मुझे फुल नॉलेज था। लेकिन मैं यहाँ पर ना जाने कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठता तो भाई मेरे बहुत सारे चैनल डेड हो चुके हैं। और हाल ही में मैं 2 चैनल चला रहा हूँ, एक फेक्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, ये AI वाइस ओवर करके फेक्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसपे 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। और ये मेरा खुद का पर्सनल फेस वैल्यू चैनल है, जिसमें अपना फेस रिव्यूल करना चाहता हूँ, मतलब कि अपने फेस की वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि मैं अपना फेस दिखाकर वीडियो अपलोड करता हूँ और अपने दोस्तों को मतलब कि अच्छे अच्छे वीडियो देने का प्रयास करता हूँ, जैसे मोटिवेशनल, कुछ सीख, अर्निंग ऐप, इस प्रकार की वीडियो देने के प्रयास करता हूँ। अभी हाल ही में हेमस्टर कॉम्बेट वायरल चल रहा है भाई जी, उस के बारे में जिस बंदे ने भी YouTube पे वीडियो बनाया गाइस, तो आज उसके लाखों में व्यूज आ रहे थे, जिसके कल 1 के 2 के आ रहे थे, आज उनके लाखों में व्यूज आ रहे हैं गाइस। तो इसी प्रकार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पता है आप लोग एक दिन सपोर्ट जरूर करोगे मेरी मेहनत को। मेरे इस चैनल पे 1,000 वीडियो अपलोड हो जाएंगे, 2-4-6 दिन में 1,000 वीडियो अपलोड हो जाएंगे, 9-8 वर्ष हो चुके हैं गाइस। मेरा जो 4 से 5-6 साल का एक्सपीरियंस और नॉलेज है मैं आपको सारा दूंगा गाइस, मुझे हर चीज़ नॉलेज है, मतलब स्टार्टिंग में
हर बंदे के सबसे पहले जब जो यूट्यूब में आता है तो वो कैमरे के सामने खड़ा नहीं हो पाता, खड़ा भी हो जाता है तो बोल नहीं पाता गाइज। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जितने बड़े यूट्यूब बन सके उनके साथ भी ऐसा हुआ, हर किसी के साथ ऐसा होता है गाइज। चाहे जो भी आप अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहोगे स्टार्टिंग में आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन भाई धीरे धीरे सब सीख जाओगे मुझे उम्मीद है, और मैं आपको सब सिखा दूंगा। मैं आपको डेली वीडियो देखने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन गाइज हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर मेरी वीडियो देख लिया करूंगा। मैं अपना इस प्रकार का आपको नॉलेज दूंगा ना गाइस कि आप एक महीने में अच्छे से बोलना सीख जाओगे, अच्छे से अपना चैनल ग्रो करने की हिम्मत आप में खुद में आ जाएगी। मैं आपको इतना मोटिवेशनल कर दूंगा कि आप जिस फील्ड में ग्रो होना चाहते हो उस पे आप ग्रो होके रहोगे, चाहे दुनिया आपको जितना पीछे खींचे आप आगे की ओर ही जाओगे गाइस। तो मैं आपको इतना मोटिवेशनल वीडियो देने का प्रयास करूंगा जितना मुझसे हो चुकेगा गाइस। अभी तो मैं छोटा हूँ, जितना मुझसे मोटिवेशनल हो चुके उतना मैं दूंगा गाइस। बस अपना प्यार और सपोर्ट कम करना, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारी हिम्मत और बढ़ती है, वीडियो में एनर्जी होती है और वीडियो में अच्छी क्वालिटी होती है, वीडियो में अच्छी वॉइस क्वालिटी होती है गाइस आप लोगों के ही वजह। अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे ना तो हमारी वीडियो बनाने का मन ही नहीं चलेगा। हम वीडियो में अगर वीडियो बनाएंगे भी तो वीडियो थोड़ी देर बनाएंगे फिर सोचने लग जाएंगी कि जब कोई सपोर्ट नहीं करता तो क्यों टाइम वेस्ट करें गाइस। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हम अच्छे से वीडियो बना पाते हैं, और जब वीडियो बना रहे होते हैं जब सोचते हैं कि चलो दोस्त हमें सपोर्ट तो करते हैं, तो जो दुनिया वाले भाली बुरे पागल बोलते हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करके सिर्फ आप लोगों की बातों को फोकस करते हैं और एनर्जी के साथ और भी अच्छे से वीडियो बनाते हैं जिसे आपको भी देखने में अच्छे लगते हैं गाइस। तो प्लीज़ आप लोगों के सहारे ही हम अच्छी वीडियो बना पाते हैं, जितने मतलब कि जिस फील्ड में जो बंदा भी काम करता है सिर्फ अपने दोस्तों और ऑडियंस के सहारे ही अच्छे से काम कर पाता है। जिस दिन आप भी उसका साथ छोड़ दोगे ना तो मैं कसम से कह रहा हूँ कि उसका दिमाग और वो मतलब उस फील्ड में पूरी तरह से गिर जाएगा जिस दिन आप उसका साथ छोड़ दोगे। यकीन ना हो रहा हो तो एक दिन आप उसका छास छोड़ कर देख लेना, वो पूरी तरह से गिर जाएगा, हार जाएगा। वो खुद से कहेगा कि अब मुझ में भी वो हिम्मत नहीं है कि मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि जब तक दोस्त अपना मतलब दोस्त सहारा नहीं देंगे, दोस्त सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो अपने जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता गाइस। मैं भी आपको अपना ही मानता हूँ, मुझे पता है आप मुझे अपना मानकर सपोर्ट करोगे भाई, तो सपोर्ट कर दो भाई। मतलब कि एक क्लिक करने से आप, हम गरीब लोग हैं भाई, आपसे पैसा थोड़ा ना मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस थोड़ा सा सपोर्ट मांग रहे हैं ताकि हम लोग भी जो गरीब परिवार में हैं भाई तो हम लोग भी ऊपर उठ सकें। गरीबी में पैदा हुए तो ये हमारी गलती नहीं भाई, लेकिन गरीबी में मर जाएंगे ये हमारी बहुत बड़ी गलती। इसलिए भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 4-6 साल से लगे हैं यूट्यूब पे, लेकिन कोई भी ग्रो नहीं हो रहा। घर वाले भी पागल बोलते हैं भाई, हर तरह की बातें इग्नोर करके मैं भी फिर भी यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ भाई। प्लीज़ जिसने भी मेरी अंत तक वीडियो वॉच की होगी भाई तो वो मुझे फुल सपोर्ट ज़रूर करेगा भाई, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो नहीं सपोर्ट करेगा उसके लिए धन्यवाद भाई, क्योंकि उसने मेरी वीडियो देख लिया वही बहुत काफ़ी है। एक एक लाइक बहुत ज़रूरी है भाई, प्लीज़ थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत।